अरे ठहरो भाई, ठहरो ठहरो, मैं कह रही हूँ नाटी को रोस्ट नहीं कर रहा भाई, मैं इसको रोस्ट करने वाला हूँ। क्या डिसलाइक कर दी क्या वीडियो? काम करो, डिसलाइक बटन हटाओ, लाइक पे क्लिक कर दो। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ भी मिले घटिया चादर तान के सो जाओ। पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ। साले तुझे वोकल और बीट को एडजस्ट करना तो आ नहीं रहा। अपना गाना बजेगा। साले तुझे वोकल और बीट को एडजस्ट करना तो आ नहीं रहा। PewDiePie डिस्ट्रैक्ट, नथिंग पर्सनल, प्रो आर्मी। ओके, फक PewDiePie, अब इंडिया की बारी है। फक PewDiePie, टी सीरीज तुझ पे भारी है। फक PewDiePie, देख होनी अपना भाई है। अगर आप लोग बक्चोद बाबा जी को नहीं जानते तो ये बेसिकली एक रोस्ट चैनल है जो कि कैडी मिनाटी के चैनल से इंस्पायर हुआ है। और इंस्पायर मेरा मतलब है जैसे 10 बहाने 2.0 10 बहाने से इंस्पायर हुआ था, एग्जैक्टली वैसे ही। अगर आपको पहला वाला पसंद नहीं भी आया तो दूसरा वाला सुनने के बाद डेफिनेटली पसंद आ जाएगा। मैं इस वीडियो को एक्चुअली रोस्ट नहीं बोलूंगा, ये एक ऑनलाइन क्लास की तरह, क्योंकि आज बाबा जी हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाएंगे। अबे 1,35,00,000 रुपए रेस कर रहा है बंदा, इतना बड़ा क्रिएटर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी खूबसूरत चीज करता है जो कि नेसेसरी नहीं थी करने को। अरे भाई तेरे तो क्वेश्चन में ही आंसर है कि नेसेसरी नहीं था, फिर भी बंदे ने 1.6 करोड़ इंडिया को डोनेट क्यों करे? मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम तो अंधभक्त हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। भाई जब उसको इंडिया से इतनी सारी हेट जा रही है तो उसे कुछ तो अच्छा काम करना था ना। इस बाबा जी के हिसाब से PewDiePie को इंडिया से हेट मिल रही थी, इसलिए उसने 1.5 करोड़ रुपए इंडिया को डोनेट किया था। और लास्ट टाइम जब किसी को इंडिया से हेट मिल रही थी तो वो 9,000 करोड़ लेके भाग गया था। पर इसके इस लॉजिक को डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग कॉन्ट्रोवर्सी से फंसने के बाद चैरिटी शुरू करते हैं, जैसे सलमान खान। पर मैं तुम्हें अभी एक प्रूफ देता हूँ कि PewDiePie जो उसके सब्सक्राइबर बढ़े वो सब बॉट्स हैं। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब PewDiePie के 68 या 69 मिलियन सब्सक्राइबर थे तब तुम्हें पता होगा मिस्टर बीस्ट ने एक बिलबोर्ड खरीदा, सबसे महंगा बिलबोर्ड खरीदा, और वहां पे PewDiePie की एड चलाई। लोगों ने देखा वो एड और PewDiePie को सब्सक्राइब किया। क्या था ये? पैसा दिया, बिलबोर्ड खरीदा, सब्सक्राइबर आए, पैसा देके सब्सक्राइबर आए। इसको भी हम सब बॉट्स बोल सकते हैं यार। एडवर्टाइजर ने पैसा खर्च किया और सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। अब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस लॉजिक से सबने सब बॉट यूज किया, एक्सेप्ट मुंबई का निखिल, वो किसी को पैसे थोड़ी देता है। और बॉडी शेमिंग के बारे में भी कह दूं मैं इससे, तो सुन, सूखे ले खजूर, तेरी शक्ल ना मेरे घर पे जो कमोड साफ करने वाला आता ना उससे बिल्कुल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल भी तेरे से लाख गुना अच्छी है। ये हो गई बॉडी शेमिंग। मुझे समझ नहीं आया कि ये इंसल्ट था कि कॉम्प्लीमेंट था, बट ये जो भी था ये बॉडी शेमिंग नहीं था। बॉडी शेमिंग तो इसको बोलेंगे। और भाई मोटापे के वजह से ही अपनी गांडी खुजली मिटा नहीं पाता, प्लेन वाले इस पे एक्स्ट्रा लगेज का फाइन मारेंगे। भाई बचपन में सिखाया होगा तुझे खाना शेयर करके खाया जाता है, क्योंकि ऊपर से जब तुम नीचे देखते होगे तो सिवाय पेट के तुम्हें कुछ नजर नहीं आता होगा। इस जानवर का पेट तो इतना बड़ा है, तो जितना बड़ा पेट उतनी ज्यादा भगचोदी। हम दिमाग से लड़ रहे हैं, पहले उसकी एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। जब उसका GDP गिरेगा ना तो उसके पास पैसे की कमी होगी, पैसों की कमी होगी तो वो ट्रूप्स अपनी आर्मी पे नहीं लगा पाएगा उतना, और जब आर्मी पे नहीं लगा पाएगा तो उसकी आर्मी कम हो जाएगी, जब आर्मी कम हो जाएगी तब परमाणु फेंक देंगे। अरे परमाणु है, सुतली बम थोड़ी फेंक देंगे। अब पड़ोस में कौन न्यूक्लियर अटैक कर रहा था जरा मेरे को ये बता। अगले पॉइंट पाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे नया बाथरूम, अक्षय। हेलो, ये नया बाथरूम किसके लिए? आप सबके लिए। तो लाइए, लीजिए हार्पिक बाथरूम क्लीनर। पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ। दिखाइए। म्यूजिक। अगर आज तुम भगवान के बारे में बोल रहे हो, कल को तुम कास्टिज्म के बारे में बोलोगे, उसके बाद अमीरी गरीबी भी बोलोगे, फिर तुम कलर पे भी आ जाओगे, गोरे काले पे भी बोलोगे, फिर तो तुम जोक हर एक जगह ले आओगे, और जोक तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी भाई, इंडिया पूरी डिवाइड हो जाएगी। यार चिन्ना एक चीज बता, मेरे घर पे गैस नहीं आएगी तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? कैसे?
मैं खाने को बहुत बेकार जोक्स सुना दूंगा, वो पक जाएगा। तुम्हारे लिए मैं सबसे मेन चीज कहता हूँ, तुम ये लोग कहते हो कि साइंस वाइंस आ चुकी है, हम साइंस को मानते हैं, हम भगवान भगवान में नहीं मानते, तो मेरे भाई एक चीज बस तुम मुझे बता दो, अगर साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है तो आज भी साइंस जब रॉकेट छोड़ती है या कोई भी मशीन लाती है तो वो पूजा क्यों कराती है, वो नारियल क्यों फोड़ती है, वो मुहूर्त क्यों निकालती है रॉकेट छोड़ने का, बता दो बस इस चीज का आंसर दे दो। लेकिन तुम्हें इस चीज का आंसर नहीं पता, साइंस तुम्हारी वहां तक पहुंची नहीं और ना कभी पहुंच पाएगी, क्योंकि भगवान है। यार देख, अब तू मेरे को फोर्स कर रहा है कि मैं तेरे पे एन वर्ड यूज करूँ, मतलब नेपाली साले, यार ऑफेंड मत हो जाना क्योंकि मैं भी नेपाली हूँ, वो भी नेपाली, एक्चुअली हम सब नेपाली। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, नहीं भाई देख रहे हो कैसे रो रही है। और यार इसको रोता देख, मैं सच बताऊं मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत बुरा लगा, कितना मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। इतना बुरा लगा था सही में यार, अकाउंट डिलीट होने पे ऐसे कौन रोता है, कौन रोता है, कौन कौन रोता है यार। सिर्फ एक रोस्ट किया था मैंने, सिंपल सा रोस्ट, इतना बुरा लगा था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, एक साल पहले जब पीडीपी और सीरीज सीरीज चल रहा था तब भी इसने काफी हिपोक्रेसी दिखाई थी। यार जैसा कि तुम लोग को पता होगा, साइमन सेज ने एक और वीडियो बनाया पीडीपी के ऊपर, मतलब एक और मेरा मतलब है कि छठी वीडियो। साइमन खूब पैसा छाप रहा है, उसके साथ साथ खूब पैसा छाप रहा, खूब पैसा छाप रहा, खूब पैसा, खूब पैसा, 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 ऐसे पर यूट्यूबर्स का नाम यूज करके क्यों व्यूज गेन कर रहा है, खुद का कंटेंट नहीं है क्या तेरे पास? तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कैसे अर्निंग करते हैं। और भाई इसमें ना कोई साइन अप करने के लिए कोई तुम्हें पासपोर्ट वासपोर्ट भी नहीं लगेगा, जस्ट सिंपल भाई अपना डिपॉजिट डालो और गेम शुरू कर दो। और गेम खेलना कैसे भाई, इसमें देखो ग्राफ तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तुम्हें बस प्रिडिक्शन करनी ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और जैसे ही तू ऊपर जा रहा है तुम्हें बस ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना। और भाई इसमें 90% चांसेस है कि तुम जीत ही जाओगे, देख रहे हो भाई, दो क्लिक में जीत गया मैं। देखो भाई हम सबको पता है कि इसकी वीडियो से देखते हैं वो सारे 9 से 10 साल के बच्चे हैं, और अगर उनको कोई बोले कि आपका 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे तो हाँ वो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। फिर वो लोग उस गैम्बलिंग वाले हैबिट से एडिक्टेड हो जाएंगे, और फिर उनके मम्मी पापा उनका फोन छीन लेंगे, और फिर जब मम्मी पापा सो जाएंगे तब परमाणु फेंक देंगे। हेलो गाइस, इट्स जोवन एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज, डिस्को टाइम। तो बाबा जी बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक बनाऊंगा हमेशा की तरह। और मैंने सोचा कि मैं कैरी मिनाटी का राइम स्कीम और बीट्स यूज करूंगा, ताकि अगर ये मेरी आपकी बेइज्जती करे तो इनडायरेक्टली वो कैरी मिनाटी की बेइज्जती कर दे, और हम सबको पता है कि वो कैरी मिनाटी की बेइज्जती नहीं करेगा। कैसी है? एक बीमारी है जो सबको दिखानी है, रोस्टिंग वाले ने तो लॉजिक भी मरा दी है। एक बीमारी है जो सबको दिखानी है, इसकी वैक्सीन किसी ने निकाली है। इसको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, इसकी बातें सुन के पढ़ाई पूरी चौपट, पूरी वीडियो में इसने मुझे सुलाया। छोटे आर्टिस्ट के है रोज से तूने कमाया, छोटे बच्चों के दम पे तूने करियर चलाया, फिर पैसे के लिए गैम्बल करना भी तूने सिखाया। ये गाना तूने गाया, क्या ढंग से लिख ना पाया, कैरी के चार्ट के अपने चैनल को बना बनाया। इसे लगता है ये बहुत फनी है, एक गलत फहमी इसकी बहुत बड़ी है। अगर कैरी को है चिकन भी बुलाया, उसके सामने बेटा देख तू बस एक पनीर है। फिर इसका चैरिटी लगता है इसे चीप है, कैरी जब खुद से करे तो इसके लिए ठीक है। ऐसे हिप हॉप किसी करेगा तू लाला फिर। एक बीमारी है जो सबको दिखानी है, रोस्टिंग वाले ने तो लॉजिक भी मरा दी है। एक बीमारी है जो सबको दिखानी है, इसकी वैक्सीन किसी ने निकाली है।
तो जाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को कितना भी लगता हो कि एक रोस्ट वीडियो है, मैं इसको एक फ्रेंडली बैंटर टाइप एक वीडियो बुलाता हूँ। मेरा इंटेंशन दूसरे को हेट या हार्म करना किसी तरीके में नहीं है। मुझे उसके कंटेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उसके कंटेंट के कुछ एस्पेक्ट्स फनी लगते हैं तो मैंने अपने वीडियो में यूज़ किए, ताकि मैं दो चार लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको हंसा सकूँ।